नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम महान शिक्षक बुद्ध के अनमोल उपदेशों को साझा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर, जैसा मन वैसा जीवन। भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमारा मन ही हमारे जीवन का प्रतिबिंब है। जिस प्रकार हमारे विचार और मानसिक स्थिति होती है, वैसा ही हमारा जीवन भी बनता है। एक, मन की शक्ति। ध्यान दो, क्योंकि मन की शक्ति अपार है। हमारे विचार हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि हमारा मन शुद्ध और सकारात्मक है, तो हमारा जीवन भी खुशहाल और समृद्ध होगा। दो, विचारों का प्रभाव। जो कुछ हम सोचते हैं, वही हम बनते हैं। नकारात्मक विचार दुख और कष्ट लाते हैं, जबकि सकारात्मक विचार सुख और शांति लाते हैं। हो, मन की शुद्धि। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करें। शुद्ध मन ही शुद्ध जीवन की ओर ले जाता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं उपदेशों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने मन को सही दिशा में ले जाकर अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। जैसी मनुष्य की सोच होती है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व होता है। तभी तो कामना की गई है कि मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। बुद्ध के अनुसार, इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बना जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है, तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है, तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ डाती है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया, तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता है। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार, भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। बुद्ध के अनुसार, खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती हैं। बुद्ध के अनुसार, जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। मन संकल्प और विकल्प से परिपूर्ण है। उसमें परस्पर विरोधी भाव उत्पन्न होते रहते हैं। मन में अच्छे विचार आते हैं तो बुरे विचार भी आते हैं। बुरे विचार आते हैं तो उसमें विरोधी विचार यानी अच्छे विचार भी अवश्य उत्पन्न होते हैं। मन में उठने वाले विचारों पर नियंत्रण कर हम जीवन को मनचाहा आकार दे सकते हैं। जैसा भाव या विचार, वैसा ही जीवन। अच्छे विचारों का चयन कर जीवन को उन्नत और बुरे विचारों का चयन कर जीवन को अवनत किया जा सकता है। प्राय कहा जाता है कि पुरुषार्थ से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मनुष्य पुरुषार्थ कब करता है और किसे कहते हैं पुरुषार्थ? पहली बात तो यह है कि इच्छा के बगैर पुरुषार्थ भी असंभव है। मनुष्य में पुरुषार्थ करने की इच्छा भी किसी न किसी भाव से ही उत्पन्न होती है, और भाव मन द्वारा उत्पन्न और संचालित होते हैं। इसलिए सकारात्मक विचार ही पुरुषार्थ को संभव बनाता है। पुरुषार्थ के लिए उत्प्रेरक तत्व मन ही है। कई व्यक्ति तथा कथित पुरुषार्थ तो करते हैं, फिर भी सफलता से कोसों दूर रहते हैं। लक्ष्य प्राप्ति पुरुषार्थ पर नहीं, मन की इच्छा पर निर्भर है। कालिदास कहते हैं कि मनोरथ के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है। इच्छाएं ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। सफलता प्रदान करने में सकारात्मक इच्छाएं कारगर साबित होती हैं। वस्तुत, जैसी आपकी इच्छाएं होंगी, वैसा परिणाम। कल्पवृक्ष मनचाही वस्तु ही नहीं देता, बल्कि आनंद का अनुपम स्रोत भी है हमारा मन। आनंद भी मन का एक भाव है। भौतिक सुख सुविधाओं में आनंद नहीं है यदि मन प्रसन्न नहीं। मन के प्रसन्न होने पर आर्थिक समृद्धि,
या भौतिक सुख सुविधाओं में कमी होने पर भी आनंद ही आनंद है। सुख समृद्धि और आनंद दोनों ही प्राप्त करने के लिए मन की उचित दशा या इसकी सकारात्मक भावधारा का निर्माण करना अनिवार्य है। जिस दिन मन को नियंत्रित कर उसे सकारात्मकता प्रदान करना सीख जाएंगे, पारस पत्थर हाथ में आ जाएगा, कल्प वृक्ष बनते देर नहीं लगेगी। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। फिर देर किस बात की, सकारात्मक सोच को मन में प्रश्रय देकर जीवन में आगे बढ़े, आपको कामयाबी नसीब होगी। मनुष्य भटका हुआ देवता है, यह भटकाव और कुछ नहीं मात्र विचारों की विकृति है। यदि वह सही चिंतन, तथ्य, तर्क और प्रमाणों की खोज करते हुए अपने लिए सही मार्ग अपनाए तो हंसी खुशी का जीवन जीते हुए अपने लिए प्रगति का पथ प्रशस्त कर सकता है और दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। इसके विपरीत दुर्गुणी व्यक्ति अपने कर्मों से अपने लिए तो विपत्ति निमंत्रित करता ही है, साथ ही देखने सुनने वालों के मन में भी विक्षोभ पैदा करता है। वह उन्हें अकारण ही दुखी करता है। दुर्घटनाओं की प्रतिक्रिया हर किसी पर भारी पड़ती है, इसलिए दुर्गुणी और दुराचारी व्यक्ति अपने और दूसरों के लिए अभिशाप बना रहता है। प्रकारांतर से दूर दूर तक का वातावरण उसके कारण आक्रोश उद्वेग से भरने लगता है। यह विचार विभ्रम का ही दुष्परिणाम है कि शालीनता का राजमार्ग छोड़कर लोग अनाचार पर उतरते हैं और बहुत पाने के, जल्दी बटोरने के लालच में अपनी साख गंवा बैठते हैं। अविश्वासी लोगों को दरिद्रता और भृत्सना का भाजन ही बने रहना पड़ता है। ऐसी दशा में लक्ष्मी उनके यहां टिके भी कैसे? गलत ढंग से कमाया गया पैसा गुनाहों में खर्च होता है और प्रकृति के नियमानुसार भी बीमारी, मुकदमेबाजी, प्रतिशोध, ईर्ष्या, घृणा, तिरस्कार तथा अन्य अवांछनीय घटनाओं के माध्यम से वह सब कुछ गंवा बैठता है। मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब है। व्यक्तित्व विकास एवं भाग्य निर्माण में इन्हीं की महती भूमिका होती है। सफलता असफलता, उन्नति अवनति, सुख दुख, एक शांति अशांति आदि सभी मनुष्य के अपने विचारों पर निर्भर करते हैं। किसी भी व्यक्ति के विचार जानकर उसके जीवन के स्वरूप को सहज ही मालूम किया जा सकता है। मनुष्य को कायर वीर, स्वस्थ अस्वस्थ, प्रसन्न अप्रसन्न कुछ भी बनाने में उसके विचारों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। स्पष्ट है कि विचारों के अनुरूप ही मानव जीवन का निर्धारण होता है। अच्छे विचार उसे उन्नत बनाएंगे तो उनकी निकृष्टता उसे गर्त में धकेलेगी। विचार चेतना क्षेत्र की एक विशिष्ट संपदा है। इसी के आधार पर मनुष्य जीवन का उपयोग करता, योजनाएं बनाता और उन्हें पूरी करता है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा था, मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही उसका जीवन बनता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वर्ग और नरक कहीं अन्यत्र नहीं, इसका निवास हमारे चिंतन चेतना में ही है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा था, भिक्षुओं, वर्तमान में हम जो कुछ हैं अपने विचारों के ही कारण हैं, और भविष्य में जो कुछ भी बनेंगे वह इसी के कारण। शेक्सपियर ने लिखा है, कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं है, अच्छाई और बुराई का आधार हमारे विचार ही हैं। ईसा ने कहा था, मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही वह बन जाता है। संक्षेप में, जीवन की विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने में हमारे विचारों का ही प्रमुख हाथ रहता है। पारस छूकर लोहे को सोना बनाने वाली किंवदंती सच हो या झूठ, यह सुनिश्चित तथ्य है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार और प्रश्न नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।